हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपनी ज़िंदगी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, आज जो है मैं एक बहुत मज़े की मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो ये पास्ता होता है ये बड़े हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, सबको बहुत ही पसंद होता है। तो ये आज जो है मैंने कुक किया था, मैंने कहा साथ आपके साथ वीडियो भी शेयर कर लूँ। मैं इनके इन्ग्रीडियंट्स आपके सामने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले हमने हाफ प्याली ऑयल ले लेना है, उसमें हमने हाफ टी स्पून लहसुन ऐड करना है और इसको अच्छे से हमने जो है ऑयल में सोटे कर लेना है। ऑयल में लहसुन की खुशबू आ जाए, हम बस यही मकसद होना चाहिए हमारा। अब नेक्स्ट जो है हमने इसमें गाजर ऐड कर लेनी है, क्योंकि गाजर हम सबसे पहले हमारा इंग्रेडिएंट जो है वो गाजर ही डलेगा, क्योंकि गाजर को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है गलने में। तो हम इसको सबसे पहले डालेंगे, अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। और जो है अब इसके बाद हमने हम शिमला मिर्च डाल रहे हैं। एक बार हमने इसमें शिमला मिर्च डाल दी है, इसको हम जो है फ्राई कर रहे हैं। देख लें कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है, ऑरेंज और ग्रीन का कम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है। और अब इसके बाद जो है हम गोभी डालेंगे, उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब ये वेजिटेबल्स वाले जो हैं अभी स्टेप हम पूरे करेंगे, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ऑयल में फ्राई कर लेंगे अच्छे से। अब इसके मीडियम फ्लेम में जो है आपने इसको जो है फ्राई करना है। अब इसको हमने अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेना है। और जो है आपने इसको हल्का सा, बिल्कुल भी आपने गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना वेजिटेबल्स को, आपने बस हल्के से फ्राई कर लेना है। अब आप ये, मैं इसमें मटर डाल रही हूँ, और फिर इसके बाद जो है इन मटर जो है मैंने बॉयल लिए थे, क्योंकि वो फ्राई होने में तो नहीं पूरे अच्छे से पक सकते, इसलिए वो पहले बॉयल करना ज़रूरी होते हैं। उसको अब अच्छे से फ्राई कर दिया। स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि मैं उस तरह चीज़ें जो हैं ऐड कर रही हूँ जो सबसे ज़्यादा टाइम लेती हैं, वो सबसे पहले ऐड कर लूँ और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको ऐड कर दूँ। अभी आपके सामने मैंने बॉयल किया हुआ, शेडर किया हुआ चिकन ऐड कर दिया है, और इसको जो है हम मिक्स कर लेते हैं। हमारा एक मिक्सचर की फॉर्म जो है हमारी बन रही है, और इसको जो है अच्छे से जब ये मिक्सचर कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसको जो है हम अपने मैक्रोनी में यूज़ करेंगे। तो ये आपके सामने हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करने जा रहे हैं। ये चिली फ्लेक्स हमने इसमें ऐड करना है, काले मिर्च ऐड करना है, और नमक ऐड करना है। ये तीनों चीज़ें हमने 1-1 टीस्पून इसमें ऐड कर लेनी है, और फिर इनको अच्छे से जो है वो मिक्स करना है। और आपका जो है ऑयल जो है वो उसकी क्वांटिटी ठीक रखा करें खाने में, क्योंकि ना अगर कम ऑयल की क्वांटिटी होना तो आपके खाने की शक्ल ही ख़राब हो जाती है। तो फिर उसके बाद जो है अब ये हमारी वेजिटेबल जो हैं, सारी इतनी ही वेजिटेबल जो हैं वो टोटल हैं जो हमने स्पेगेटीज में यूज़ करनी है। और हमारी जो है स्पाइसेस भी कंप्लीट हो गई, वेजिटेबल्स भी कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें हमने बॉयल पास्ता जो है बॉयल किया हुआ पास्ता वो ऐड कर लेना है। बॉयल पास्ता जब आप बॉयल करें उसमें आप जो है ऑयल ज़रूर डाल दिया करें। अब जो है इसमें पास्ता, बॉयल पास्ता डालने के बाद हमने इसमें जो है सॉसेस जो है उसमें यखनी डाली है हमने, और केचप डाली है, और इसके बाद सिरका डाला है हमने 4 टेबल स्पून। और अब हम सोया सॉस डालेंगे, वो भी 4 टेबल स्पून डालेंगे। और ये जो हमारी सॉसेस कंप्लीट हो गई, अब हम इसको जो है, अब इसमें एक चिली सॉस हम ये जो है ये 4 टेबल स्पून ये भी डालनी है। अब हमारी सॉसेज जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। और फिर एंड में जो है हमने ये इसमें हरा प्याज डाल दिया है, और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है स्पेगेटीज़ में, वो हमने इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब ये हमारी जो है पास्ता रेडी हो चुका है, और इसको 5 मिनट और अच्छे से कुक कर लें, और फिर जो है ये रेडी हो जाएगा। और बहुत मज़े की खुशबू जो है ये निकल रही थी अभी जब मैं कुक कर रही थी। अब ये कम्प्लीट हो चुका है, मैंने इसको जो है डिश में निकाल लिया है, और ये देखें आप 1 सर्विंग मैं इसमें जो है आपको करके दिखा, ये मैंने अपने लिए खाई डाला, ये बहुत ही टेस्टी लग रहा था मुझे। मैंने कहा कि मैं सबके साथ खाने से पहले थोड़ा सा चख ही लूँ। और ये आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक, और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का, मेरे घर में सबको ये बहुत पसंद आया था, और ये बहुत ही मज़े का बना था, इतना मज़े का बना था कि मैं इसको बयान नहीं कर पा रही। अच्छा, आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।